हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए अब मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करते हैं। थोड़ा तफसील से कोरोना वैक्सीन की बात करनी है, भारत की तैयारियों के उस मास्टर स्ट्रोक की बात जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि देश में कोरोना की पहली वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज से करीब एक हफ्ते भर पहले 28 नवंबर को जिस सीरम इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी पहुंचे थे, उसी सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविड शील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट वाली इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। ये वैक्सीन कैसी है, इसकी खासियत क्या है, कोरोना से आपको बचाने में ये कितनी कारगर हो सकती है, आज हम इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आज आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर ये भी पता चल जाएगा कि कोरोना की ये वैक्सीन आपसे कितने कदम की दूरी पर है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज आपको देश के बड़े डॉक्टर्स बताएंगे कि जिन दो वैक्सीन्स ने पिछले 72 घंटों में भारत सरकार से मंजूरी मांगी है, उनमें से आपके लिए बेहतर कौन सी वाली है और क्या बहुत जल्द उन्हें मंजूरी मिलने भी वाली है। देखिए कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो गया। कोरोना का सबसे पहला कवच आपके लिए तैयार। वैक्सीन के लिए अब सिर्फ 3 हफ्ते का इंतजार। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना से रक्षा करने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंजूरी मांगी है। आज सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वादे के मुताबिक 2020 से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ने पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में भारत सरकार और पीएम मोदी को शुक्रिया भी कहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि वैक्सीन जल्द आ जाएगी। कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। जिस कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने मंजूरी मांगी है, ये पुणे का वही इंस्टीट्यूट है जहां कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने दौरा किया था। सबसे पहले आपको इस वैक्सीन के बारे में जान लेना चाहिए। ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो भारत में विकसित की गई है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। कोविशील्ड के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। अभी कोविशील्ड वैक्सीन के तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू कर चुका है ताकि मंजूरी मिलते ही तुरंत इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। इन इंडिया अबाउट 30 वैक्सीन्स आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आउट ऑफ विच 2 आर इन द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज, बोथ कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय आईसीएमआर भारत बायोटेक एंड कोविशील्ड फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट से पहले फाइजर कंपनी भी भारत सरकार से अपनी वैक्सीन को मंजूरी देने की मांग कर चुकी है। फाइजर की वैक्सीन को यूके और बहरीन में पहले ही मंजूरी मिल गई, जिसके बाद फाइजर ने 4 दिसंबर को DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर मंजूरी मांगी है। लेकिन इन दोनों वैक्सीन की मंजूरी को लेकर यहाँ एक बात समझना जरूरी है। फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन का भारत में कोई ट्रायल नहीं किया, उसे ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिली तो उसने भारत में भी मंजूरी मांगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का तीसरे दौर का ट्रायल भारत में चल रहा है। इस कंपनी ने
ब्रिटेन में हुए ट्रायल के आधार पर भारत ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। अब सवाल ये उठता है कि बिना तीसरे दौर के ट्रायल के नतीजे आए क्या वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए। फेज थ्री के लिमिटेड डाटा के आधार पर भी कई बार जो है इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे सकती हैं, और उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि किसको देना है। हम पूरी पॉपुलेशन को दे सकते हैं या जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं हम सिर्फ उनको ही दे सकते हैं। तो ये सारी उसमें शर्तें रहती हैं जिसमें हम जो भी वैक्सीन है या जो भी दवाई है उसको देने के साथ साथ उनके साइड इफेक्ट और बाकी चीज़ों का अध्ययन भी करते रह सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी वैक्सीन को दूसरे देश से मंजूरी मिल गई तो क्या भारत में उसके इस्तेमाल की इजाजत मिल जानी चाहिए। सुनिए डॉक्टर्स का इसे लेकर क्या कहना है। जो है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो भारत के संदर्भ में इस चीज को देखेंगी कि इस वैक्सीन को दिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि उससे पहले जरूरत पड़ती है कि आपने जो प्रमाण इकट्ठे किए हैं उसकी इफिकेसी के वो किस किस कंट्री में किए हैं, किस पॉपुलेशन में किए हैं। तो उन सारे अध्ययन को देखने के बाद ही इस संदर्भ में कोई भी जो है परमिशन दी जा सकती है। वैक्सीन की मंजूरी को लेकर तीन चीजें बेहद अहम होती हैं। वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, उससे कितनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो कितनी कारगर है। अलग अलग चरणों में इसी बात को देखा जाता है और उसी के बाद किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है। आमतौर पर किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने में सालों का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि वैक्सीन कंपनियां इमरजेंसी अप्रूवल मांग रही हैं। फेज वन ट्रायल में हम सेफ्टी देखते हैं, जो फेज टू ट्रायल है उसमें इम्यूनोजेनेसिटी देखते हैं, फेज थ्री ट्रायल जो होता है वो फिर हम जनरल पॉपुलेशन पे करते हैं, जिस प्रकार का हमें लोगों को वैक्सीन देनी होती है और बड़ी जनसंख्या पे होता है। इसमें हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी दोनों को मॉनिटर करते रहते हैं, और यूजली जो फेज थ्री ट्रायल जो कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद ही किसी भी वैक्सीन को अनुमति दी जाती है। उसके बाद आते हैं फेज फोर ट्रायल जो पोस्ट मार्केटिंग होते हैं, जो बहुत बड़े स्तर पे फिर वैक्सीन दी जाती है और डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन दोनों ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सवाल ये है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। एम्स के पूर्व निदेशक का इसे लेकर क्या कहना है वो सुनिए। कार तो रॉयल्स रॉयस भी है, ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है, और आपके पास दूसरी मारुति कार भी है और छोटी कारें भी हैं, सभी कार काम करती हैं। तो अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोई रोल्स रॉयस या ऑडी या मर्सिडीज तो मैं मारुति में ही चलता हूं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वैक्सीन सब वो भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है, तो हम तो अपनी वैक्सीन पर ज्यादा निर्भर करेंगे। देश में इस वक्त कई कंपनियों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी। देश में वैक्सीन के रखरखाव, उसके ट्रांसपोर्टेशन और टीकाकरण के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें काम कर रही हैं। राज्य सरकारें कोल्ड चेन नेटवर्क का आकलन कर रही हैं। जैसे गुजरात की बात करें तो वहां पर तहसील स्तर तक टास्क फोर्स बना दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए टीम के साथ साथ बूथ भी तैयार कर दिए गए हैं। इसी तरह यूपी, एमपी और दूसरे प्रदेशों में वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं। अब इंतजार है तो उस दिन का जब वैक्सीन आपके सामने होगी। हिंदुस्तान में कोरोना की वैक्सीन की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन वैक्सीन आने में अभी करीब 3 हफ्ते का इंतजार बाकी है। 3 हफ्ते। उधर रशिया में यानी रूस में वैक्सीनेशन शुरू भी हो गया है। ब्रिटेन में भी कुछ घंटे के अंदर लोगों को कोरोना के टीके लगना शुरू हो जाएंगे। अपनी अगली रिपोर्ट में आज हम रूस और ब्रिटेन की वो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपके अंदर ये उम्मीद जगाएगी कि कोरोना का कवच अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ये तस्वीर उम्मीद जगाती हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास भी वैक्सीन का ये हथियार होगा। ये तस्वीरें रूस की, जहां लोगों को कोरोना के टीके लगना शुरू हो गए हैं। देखिए, कुछ ही सेकंड में ये वैक्सीन शीशी से निकलकर इंजेक्शन के जरिए इस व्यक्ति के शरीर के भीतर पहुंच गई। कोरोना का टीका लगाने के लिए रूस में 2 दिन पहले 70 केंद्र खोले गए। इसके लिए वहां भी प्राथमिकताएं तय की गई। सबसे पहले डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जा रही है, फिर शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है जिनकी जान को ज्यादा खतरा है। इन्हें देखिए,
ये मिलिट्री के जवान हैं जिसे रूस की अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी का डोज दिया जा रहा है। Тех, кого я знаю, все желают привиться. Ну, ждут с нетерпением поступления для всех. इस बीच इस वैक्सीन के करीब 1000 डोज एक वेयरहाउस में पहुंचाए गए, जहां से उसे स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों के टीकाकरण के लिए मुहैया कराया जाना है। स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर दावा किया गया है कि ये वैक्सीन 95% कारगर है। इस वैक्सीन के स्टोरेज के लिए 2-8 डिग्री के तापमान की जरूरत है। इस वैक्सीन के 2 डोज लगाने को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी 2 खुराक की कीमत करीब 1480 रुपए की है। ब्रिटेन में भी कल से टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, इसे लेकर यहाँ बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने की तैयारियां चल रही हैं। वहां पर 50 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन के 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, जिसके जरिए 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। ब्रिटेन में वैक्सीन की सप्लाई पर नजर रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है। दसन की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन पर अपराधियों की भी नजर है, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इंटरपोल पहले ही चेतावनी दे चुका है कि कोरोना वैक्सीन की लूट हो सकती है। माफिया की नजर वैक्सीन की सप्लाई चेन पर है, इसीलिए ब्रिटेन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए करीब 14,000 सैनिकों को स्टैंड बाई में रखा गया है। इंटरपोल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की ब्रिटेन में इस कदर मांग बढ़ चुकी है कि वहां इस वक्त वैक्सीन को लिक्विड गोल्ड कहा जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हरियाणा में किसान संगठनों की मुलाकात हुई है। नए कृषि कानून को बताया किसानों के हित में। किसान संगठन के कुछ प्रतिनिधि हैं जिन्होंने मुलाकात की है कृषि मंत्री से, सरकार से बिल को वापस नहीं लेने की मांग की है। निजी निवेश से नए अवसर पैदा होंगे, ये तोमर ने कहा उनसे मुलाकात के बाद। और इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी और पूरी जानकारी आगे आपको हम देंगे, लेकिन किसान आंदोलन की जमीन पर अब विपक्षी अपनी राजनीतिक फसल काटने में लग गया है। आज आंदोलन का 12वां दिन है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार बातचीत करके समस्या का हल निकालना चाहती है, लेकिन विपक्ष आंदोलन को और भड़काना चाहता है, और इसीलिए करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने किसानों से भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। सवाल यह है कि ये समर्थन किसानों का है या अपना राजनीतिक वजूद बचाने का है, क्योंकि बीजेपी ने आज विपक्ष पर किसानों को लेकर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। कैसे है ये दोहरा चरित्र, आप खुद देखिए। समाजवादी पार्टी किसानों के हर आंदोलन का समर्थन करती है। अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी हैं। अगर ये जेल खेलना चाहे तो जेल भेज दें। मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया। आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स। लोगों को लगता है उनके साथ छल कपट है, उनके साथ चीटिंग है, उसमें उनका नुकसान है। कुछ उद्योगपति के फायदे के लिए बनाया है, लोगों की भावना है। इन पार्टियों की भूमिका दुबली है। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाकर ये जो किसान विरोधी कानून है इनके ऊपर पुनर्विचार करके इनको वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। पिछले 12 दिनों से जो किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ खड़ा है, उसके कंधे पर चढ़कर अब विपक्ष अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी और आरजेडी, ये वो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं जो भारत बंद को समर्थन देकर खुद को किसानों का हमदर्द दिखाना चाहती है। अब सवाल है कि जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं,
उसे लेकर इन विपक्षी पार्टियों का अब तक क्या रुख रहा है? सरकार का आरोप है कि विपक्ष का विरोध उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर रहे थे। मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सबसे बड़ा डर यह है कि आने वाले वक्त में एमएसपी खत्म हो जाएगा और कृषि बाजार में निजी व्यापारियों के आने से सरकारी मंडियां यानी कि एपीएमसी भी खत्म हो जाएंगी। सरकार किसानों के इन दोनों आशंकाओं को निराधार बता चुकी है, लेकिन जब विपक्ष किसानों के आंदोलन को हवा देने में लग गया तो सरकार ने एक एक कर सबका सच सबके सामने रख दिया। कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11, क्या कहा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाती है उसको समाप्त करेगी। कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे। जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। हमारी नियत मंडी खत्म करना नहीं थी, हमारी नियत एमएसपी खत्म करना नहीं थी, हमारी नियत पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म करना नहीं थी। इनकी जो नियत है, इनकी जो मंशा है, वो एमएसपी खत्म करना है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म करना है, एफसीआई को खत्म करना है। इसलिए हमारी और इनकी नियत में बहुत फर्क था। सवाल नियत पर ही है, क्योंकि कांग्रेस अब किसानों की जिन मांगों का समर्थन कर रही है, कभी खुद ही उसमें बदलाव की बात करती रही है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी का आरोप है कि कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर पलटी मारी है। कांग्रेस ने पहले अपने घोषणा पत्र में मंडी एक्ट खत्म करने की बात कही, अब वही कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। इसी तरह एनसीपी पहले मंडी कानून में बदलाव की बात कर चुकी है, अब मंडी कानून के समर्थन में किसानों का समर्थन कर रही है। एनसीपी के स्टैंड में बदलाव का सबूत है ये चिट्ठियां, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज से 10 साल पहले लिखी थी। तब शरद पवार कृषि मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की वकालत की थी और कृषि सुधार के नाम पर एपीएमसी कानून में बदलाव की बात कही थी। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। आदरणीय शरद पवार जी, रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। शरद पवार एक कद्दावर नेता है और करीब 10 साल तक वो देश के कृषि मंत्री रहे। महाराष्ट्र में किसानों पर पवार की जैसी पकड़ है उसके सामने कोई दूसरा नेता नहीं टिकता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनवाने में भी पवार की सबसे बड़ी भूमिका रही। ऐसे में कृषि कानूनों पर पवार के दोहरे स्टैंड ने एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है। जो एक पत्र दिखाकर गुमराह करने का काम कर रही है बीजेपी, एपीएमसी का मॉडल एक्ट, ये मॉडल एक्ट की बात थी, उस कानून में एपीएमसी को अधिकार देने की बात थी, उस कानून में रजिस्ट्रेशन के अधिकार एपीएमसी के पास थे, केंद्र के पास नहीं। मोदी जी का कानून एपीएमसी के अधिकारों को समाप्त करता है। ठी लिखना और किसी की राज्य सरकार की राय जानना एक बात है, गैर संवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाके इसको लागू करना और उसके बाद जोर और जबर से राज्यसभा में जिस तरह से ये बिल पारित हुए थे उनको पारित करना, ये पूरी तरह से एक गैर संवैधानिक और पूरी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। शरद पवार अब किसानों के नाम पर केंद्र को सीधी धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों के आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेगी तो देश भर के किसान विरोध में खड़े हो जाएंगे। इस मामले को लेकर वो 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र की सत्ता में पवार के साथ ही शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर पलटी मारी है। जब लोकसभा में कृषि बिल पास हो रहे थे तो शिवसेना के 2 सांसदों अरविंद सावंत और हेमंत पाटिल ने बिल का समर्थन और स्वागत किया था और अब विरोध की राजनीति के चलते शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में लिखा कि सरकार किसानों को कॉर्पोरेट का निवाला बना रही है। सवाल है कि शिवसेना को अगर किसानों की चिंता थी तो उसने लोकसभा में बिल का समर्थन क्यों किया? हमने होटिंग नहीं किया, हमने समर्थन में भी होटिंग नहीं किया ना। हम किसान है, जनता है, उनकी रिएक्शन भी देखना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र में लोग एक कानून का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरते हैं
लोगों के साथ रहना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। कल किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का ऐलान है। किसानों की उम्मीद है कि कल का भारत बंद उनके आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करेगा। भारत बंद पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों का समर्थन कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके जिन राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकारें हैं वहां भारत बंद का असर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी विपक्ष के शासन या नॉन बीजेपी शासित राज्यों में भारत बंद का प्रभाव दिख सकता है। हमारी अगली रिपोर्ट से आपको अपने राज्य का क्या हाल रहेगा पता चल जाएगा। पांच दौर की सरकार से बातचीत के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकल रहा तो किसानों को कल होने वाले भारत बंद से उम्मीदें बंधी हैं। मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी और किसी भी ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। कल का जो भारत बंद है ये सिद्ध कर देगा कि सारा देश चाहता है कि ये कानून रिपील किए जाए। किसानों को पूरी उम्मीद है कि कल का भारत बंद सफल होगा और पूरे देश में उनके इस आंदोलन का असर दिखेगा। पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा, पूरा भारत बंद होगा। कल के बंद को लेकर दो बातें साफ हैं। जिन राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकारें हैं वहां बंद का असर नहीं होगा, जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां बंद प्रभावी रहेगा। अब बहुत संक्षेप में हम आपको ये बता देते हैं कि किस राज्य में भारत बंद का क्या असर रहेगा। सबसे पहले बात जम्मू की। यहाँ ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है, यानी कल जम्मू में चक्का जाम रहेगा। कश्मीर घाटी में फ्रूट डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है, कश्मीर घाटी में सारी फल मंडियां बंद रहेंगी। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में ओला और उबर टैक्सी एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है, यानी ओला उबर से चलने वालों को परेशानी हो सकती है। तो जिस तरह से नॉर्मल ऑटोज जो है वो चलते हैं दिल्ली में, भारत बंद होने के बावजूद भी जो ऑटो रिक्शा की सर्विसेज हैं, ऑटो और टैक्सी संघ ने ये साफ कर दिया है कि वो नॉर्मल चलती रहेंगी। लेकिन ओला उबर टैक्सी जो नहीं चल रही हैं उनसे फर्क जो है ट्रांसपोर्टेशन में वो जरूर पड़ सकता है। 95,000 ऑटो और 12,000 काली पीली टैक्सी रोज की तरह काम करेंगी। इसके अलावा दिल्ली की दो बड़ी मार्केट कनॉट प्लेस और सरोजनी नगर मार्केट भी खुली रहेंगी। दिल्ली में बंद का आह्वान सुबह 11 बजे से किया गया है। बंद के दौरान एम्बुलेंस और आपात सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। शादियों में भी बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। दिल्ली की सीमाएं गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंघू, टीकरी बॉर्डर और झरोड़ा बॉर्डर बंद है। हालांकि ज्यादातर मार्केट मंडियां कल नॉर्मल काम करती रहेंगी और बंद पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने बंद का समर्थन किया है। पूरे महाराष्ट्र में एपीएमसी मार्केट बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट, फिश मार्केट और दूध केंद्र भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में रिटेल व्यापारियों ने बंद का विरोध किया है, यानी रिटेल व्यापारी अपनी दुकानें खुली रखेंगे। इसके अलावा मुंबई में लोकल ट्रेन, 10 की बसें और मेट्रो सुचारू रूप से चलेंगी। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी बंद को ममता बनर्जी ने समर्थन दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का पहले से ही समर्थन है, यानी बंगाल में कल बंद का पूरा असर देखने को मिलेगा। कोलकाता में बंद के समर्थन में टीएमसी का प्रदर्शन होगा। सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, दुकानें खुली रहेंगी। कोलकाता में ट्रेन और बस सब कुछ चलेंगे। राजस्थान में कांग्रेस का राज है, यहाँ सरकार खुद बंद के समर्थन में आ चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अलग अलग टोलियां बनाकर भारत बंद को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बंद का पूरा समर्थन है। अब ये किसान की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। पर हिंदुस्तान की जनता ये देखना चाहती कि लोकतंत्र में जनता बड़ी है या सरकार। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, इतना घमंड नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी तो ऐसे हो गए जैसे सुदर्शन चक्र उन्हीं के हाथ में है। जब किसान चाहता ही नहीं है बिल तो आप विड्रॉ कर लीजिए, इसमें क्या प्रेस्टीज इश्यू है। राजस्थान में 247 कृषि मंडियां बंद में शामिल हैं। जयपुर में सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना में बंद का असर देखने को मिलेगा।
क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बंद का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश में बंद का असर कम रहेगा क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री ने किसान बिल का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी भी बिल के समर्थन में है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार बिल का समर्थन कर चुकी है, इसलिए तमिलनाडु में भी बंद का असर इतना नहीं होगा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में औपचारिक तौर पर राज्य में कोई बंद नहीं होने वाला। केरल में बंद का असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कल केरल में पहले फेज के स्थानीय निकाय चुनाव है। चोलियों से सावधान रहने की जरूरत है और कानून को बहुत अच्छे से पढ़ने की। आगे किसानों की एक प्रमुख मांग है एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बना लीजिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सरकार कानून बनाने से बच क्यों रही है? इसकी वजह से एमएसपी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ बढ़ी वजह है। अभी तो सरकार किसानों से सिर्फ कुछ फसलों को ही एमएसपी पर खरीदती है। सोचिए अगर सारी फसलों को या उनके दाम पहले से तय हो जाए तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमारी अगली रिपोर्ट से आपको एमएसपी के फायदे और नुकसान के बारे में पता चलेगा। पिछले 12 दिनों से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के दरवाजे पर किसान दस्तक दे रहे हैं। किसानों की एक प्रमुख मांग है फसल पर एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बने। सरकार कानून बनाने पर राजी तो नहीं है, लेकिन किसानों को यह आश्वासन जरूर दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। किसानों की फसल सरकार एमएसपी पर ही खरीदती रहेगी, लेकिन किसान मान नहीं रहे। किसानों के इस डर को समझने के लिए आपको पहले एमएसपी के बारे में समझना होगा। एमएसपी का शाब्दिक अर्थ हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की कुछ फसलों के दाम की गारंटी होता है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदती है। सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदती तो है, लेकिन इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य करता हो। इसीलिए किसान ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको सरकार के डर की वजहों को बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एमएसपी का पूरा खेल समझना होगा। 1965 में भारत भयंकर अनाज के संकट से जूझ रहा था। तब भारत अमेरिका से लाल गेहूं का आयात करने को मजबूर था, जिसे PL-480 कहा जाता था। उस वक्त भारत का कोई अनाज बैंक नहीं होता था। भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं थी जिससे हम वैश्विक बाजार से कोई अनाज खरीद पाते। यहीं से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई। इसके बाद हरित क्रांति आई और आने वाले कुछ सालों में भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1960 के दशक में हरित क्रांति में पंजाब की बड़ी भूमिका थी। पंजाब ने गेहूं और चावल उगाना शुरू किया, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के पास बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है। आज सरकार का अनाज का भंडार 97 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि 1965 में सिर्फ 7 मिलियन मीट्रिक टन अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे। सरकार के इस बफर स्टॉक में मौजूद अनाज की कीमत 1,80,000 करोड़ रुपए की है। ये एक तरह से डेट कैपिटल है, क्योंकि इतने अनाज की जरूरत ही नहीं है। किसानों से एमएसपी पर खरीदे गए अनाज से सरकार सिर्फ पीडीएस में राशन बांटती है। इसके अलावा अगर बाजार में किसी अनाज की कमी होती है तो सरकार अपने भंडार से अनाज जारी करती है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भंडारों में रखा सरकार का ज्यादातर अनाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार हर साल किसान से अनाज खरीदती ही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जितना अनाज है देश में के रखने की जगह नहीं है। अब आप उसको लेके क्या करेंगे और उसको प्रोड्यूस करते जाओ सर। वो किसान तो कहता है मेरे से ले लो, जो मर्जी फेंको, जहां मर्जी फेंको। देश को जरूरत है पल्सेस की, जो दलहन है वो चाहिए, तिलहन है वो चाहिए जी। इतने इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो उसके उसके लिए क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट करके एमएसपी कर सकती, गेहूं और चावल से आगे बढ़ना है हमें। अब सवाल यह है कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा जोर पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही क्यों है, क्योंकि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिल रहा है। पंजाब के किसानों का 95% से ज्यादा अनाज तो एमएसपी पर बिक जाता है, लेकिन बाकी देश के सिर्फ 6% किसान ही अपना अनाज एमएसपी पर बेच पाते हैं। देखिए, पंजाब का किसान जो एमएसपी से सबसे ज्यादा फायदा करता है, पंजाब का किसान जो भी गेहूं और चावल वो मंडी में लाता है उसका 95-98% भाग वो सरकार खरीदती है। 1965 से ये एमएसपी सिस्टम शुरू हुआ था और आज तक 6% किसानों को फायदा हुआ है। बाकी सारा हिंदुस्तान के किसान क्या वो वहां सरकार को बेच रहे हैं? तो एमएसपी कहने के लिए है, अनाउंस करने के लिए है। आप एपीएमसी के मंडियों में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जो मार्केट प्राइस है वो 20% कम हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है एमएसपी से। वो तो जो बाजार की डिमांड सप्लाई की कहानी है उसके हिसाब से प्राइसेस चलते हैं। सरकार जो खरीद सकती है, जो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए चाहिए अपना, वो खरीदती है। वो सबसे ज्यादा आपका पंजाब से खरीदा जाता है। सरकार के लिए समस्या ये है कि अगर उसने सभी फसलें एमएसपी पर खरीदनी शुरू कर दी तो सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। ये बोझ 15,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। और अगर इसके बाद बाकी किसानों ने भी अपनी फसलें एमएसपी पर खरीदने की मांग कर दी तो तब सरकार क्या करेगी? अगर सब कुछ 23 फसलें हैं, अगर आप उसका टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं और अगर आप उसका टोटल एमएसपी कैलकुलेट करते हैं और जिस तरह से एफसीआई खरीदती है, ये टोटल आपको 15,00,000 करोड़ का खर्च। किसानों ने घेराबंदी करी होगी, यूनियन बनाने की बात कर रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। कल को अगर प्राइवेट सेक्टर भी घेराबंदी कर ले और कह दे हम तो खरीदेंगे ही नहीं, सरकार खरीदे, तो व्यापारी वर्ग क्या करेगा? वो ज्यादा समझदार है ना किसान से, तो वो सारा एका कर लेंगे कि हम बाजार से उठाते ही नहीं, सरकार को उठाने दो। तब आप क्या करोगे? सरकार को देश का 15,00,000 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये करोगे तो बाकी फसलों के किसान भी खड़े हो जाएंगे कि साहब हमने क्या देश में क्या नुकसान किया है, सबको छोड़ के वही उगाऊंगा जो सरकार खरीदेगी। देश का बजट 30,00,000 करोड़ रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर खरीद का खड़ा हो जाएगा। आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू 16.5 लाख है, क्या देश पे ताला लगवाना है? ये कौन सी मानसिकता और किसकी बात कर रहे हैं ये नेता लोग जो आज किसानों को भड़का रहे हैं? जानकारों का मानना है कि पंजाब के किसानों को अपनी खेती किसानी के तरीके बदलने होंगे। पंजाब के किसानों को गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलें भी उगानी होंगी और बिचौलियों से भी इन किसानों को बचाना होगा। जिस जमीन में पंजाब का किसान गेहूं उगाता है और वहां उसको 1975 रुपए एमएसपी मिलता है, उसी जमीन पे उसी सीजन में अगर वो सरसों उगाएगा तो उसको 38.50 रुपए मिलते हैं, जिसका आज मार्केट रेट 60 रुपए। किसान क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि उसको वहां पे बिचौलियों ने इतना गुमराह कर रखा है कि अगर एफसीआई नहीं लेगी तो कोई नहीं लेगा, और एफसीआई से आढ़ती का कमीशन बंधा हुआ है, तो वो अपने कमीशन के चक्कर में एक तरफ किसान को बर्बाद कर रहा है। जिस देश में 70% तेलों का आयात होगा, क्या वहां तिलहन की डिमांड नहीं है? और जहां सरप्लस व्हीट एंड राइस है वही उगाते रहोगे क्योंकि आपका कमीशन बंधा हुआ है। पश्चिम बंगाल है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। सिलीगुड़ी आज बीजेपी कार्यकर्ता और ममता की पुलिस आमने सामने आ गई। बीजेपी वाले अड़े रहे, पुलिस ने डंडा चलाया। बीजेपी का ये जुलूस ममता के खिलाफ उत्तर बंगाल के उत्तर कन्या को घेरने के लिए था, लेकिन घेराव पर सियासी घमासान हो गया। আমরা দেখতে পাচ্ছি জল কমানে ব্যবহার করা হচ্ছে, পুলিশ প্রদর্শন করতে বালে বিজেপি কার্যকর্তাও পর পানি কি বোছা। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोड पर
दौड़ा दौड़ा कर सिलीगुड़ी में बीजेपी समर्थक जब नहीं रुके तो पुलिस ने लाठी से लेकर पानी तक की बौछार कर दी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की लाठी से एक समर्थक की जान चली गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत की शुरुआत इस तस्वीर के साथ हुई। हाथ में झंडा लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड के पास हंगामा कर रहे हैं। कुछ देर तक जोर आजमाइश होती रही और फिर बैरिकेड को तोड़कर बीजेपी समर्थक आगे बढ़ गए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं। इस सड़क पर बीजेपी की इस जोर आजमाइश को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। सुबह सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन के लिए रोड पर निकले थे। नारेबाजी करते जुलूस में शामिल लोग जा रहे थे। पुलिस ने इस जुलूस को रोकने के लिए पहले से बड़ी तैयारी की हुई। इस वीडियो में बैरिकेड की तस्वीर को देखकर पुलिस की तैयारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश पुलिस की इस तैयारी पर भारी पड़ा। पहले कार्यकर्ता थोड़ा सा रास्ता बनाकर उस पार से इस पार हुए और फिर देखते ही देखते पूरा बैरिकेड तोड़ दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष फुलबारी जंक्शन से उत्तर कन्या तक पैदल मार्च कर रहे थे। बैरिकेड तोड़ने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और कार्यकर्ताओं को रोक दिया। फिर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए। बीजेपी के कार्यकर्ता जिस उत्तर कन्या का घेराव करने निकले थे उसके बारे में जानते चलिए। उत्तर बंगाल के 8 जिलों के विकास के लिए उत्तर कन्या का गठन हुआ था। साल 2014 में ममता सरकार ने इसका गठन किया था। इसे उत्तर बंगाल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार उत्तर बंगाल की उपेक्षा की है। बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहती है कि जिस मकसद से इसका निर्माण किया गया था वो मकसद कामयाब नहीं हुआ। आज की इस रैली में हिस्सा लेने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और तेजस्वी सूर्या समेत बीजेपी के दर्जन भर सांसद और बड़े नेता पहुंचे थे। अनोखी शादी की बात करनी, हालांकि 2020 बड़ा अनोखा रहा ही है और थैंक्स टू कोरोना के संकट काल में एक शादी हुई। दूल्हा दुल्हन को पीपीई किट पहनना पड़ा। पीपीई किट में हुई शादी की वजह क्या है आप देखिए। और अब हमारे साहब बरमाला डाल रहे हैं जोरदार ताली सेवा। और कुछ इस अंदाज में इस जोड़े ने एक कोविड केयर सेंटर में अपनी शादी की रस्में शुरू की। जोरदार तालियां तालियां। और अब हमारे जोरदार ताली सेवा। ये वीडियो राजस्थान के बारा जिले का है। यहाँ के केलवाड़ा में बने एक कोविड सेंटर में ये अनोखी शादी हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। देखिए मंडप में बैठे इस दूल्हे ने शेरवानी और दुल्हन ने लहंगे की जगह पीपी किट पहना है। साथ में फेस शील्ड, मास्क और ग्लव्स भी पहने हुए हैं। ओम चंद्रमा मन सोजा तक सो सूर्य हो जाए ते प्राण सी पर्वत। कुछ दूरी बनाकर पंडित जी और घर वाले भी सफेद पीपी किट पहनकर शादी की रस्में पूरी करते नजर आए। ओम चंद्रमा मन सोजा तक सो सूर्य हो जाए ते प्राण सी पर्वत को दे दीजिए आप ही। दरअसल इस तरह की शादी करने की वजह दुल्हन थी जिसकी कोरोना रिपोर्ट शादी के दिन ही पॉजिटिव आई। घर पर शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी लेकिन बेटी के कोविड सेंटर जाने की खबर पर परिवार मुसीबतों से घिर गया। इस बीच लड़के के घर वालों ने समझदारी दिखाई और शादी की डेट आगे बढ़ाने के बजाय प्रशासन से बात की, जिसके बाद सरकार के कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोविड सेंटर के अंदर ही शादी कराने की मंजूरी मिली। जोरदार तालियां तालियां। और अब हमारे साहब बरमाला डाल रहे हैं जोरदार ताली सेवा। और देखिए कोरोना भी इस शादी को टाल नहीं सका और आखिरकार पूरे विधि विधान और सावधानी के साथ ये जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध गया।
चलो साहब आप जो चरण प्रक्षालन करना है ना, कन्यादान करना, वो कर इस आपका ध्यान रखना पंडित जी। पीपी किट पहनकर इस जोड़े ने अग्नि के साथ फेरे लिए, जबकि लड़की के माता पिता ने भी पीपी किट के साथ अपनी बेटी का कन्यादान किया और इस शादी को संपन्न किया। पांडवम कुल श्रेष्ठम तपो पर कन्या पाद सौ जने हे। इस साल को खत्म होने में 23-24 दिन बाकी हैं। इस महीने के साथ साथ कोरोना भी कट जाए, हर किसी की यही दुआ है। कल भारत बंद से पहले पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। 4 पन्ने की ये चिट्ठी है। किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले चलाने पर उन्होंने दुख भी जताया है।